सोच रही हूँ कि सूरज का मैनीक्योर कर देती हूँ, उनके हाथ बहुत गंदे। क्या बोला तूने? भाई तुम ऐसे स्किन पीछे कर देते हो क्या? हाँ जी। गलत स्टेप ले लिया यार, नहीं कराना चाहिए था। ये नाखून की और ये माँ बहन, ये सारा नाखून का ताकत निकाल दिया इन्होंने। अभी बिग बॉस का आज फाइनल है, बताओ कौन जीते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। जो भी हमारे सपोर्टर कमेंट करते हैं उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू सो मच। और जो सपोर्टर नहीं है वो भी कमेंट करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जो गलत लगता है वो आप पूछ सकते हो, जो आपको सही लगता है वो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, बोल सकते हो। हमने बात करनी है, हमने शूट करना है, हमने इन्जॉय करना है लाइफ को, ठीक है। जो भी गलत फहमी है वो दूर करेंगे, आप कमेंट में लिख दो। और अच्छे से मिसबिहेव करके ऐसे वैसे करके नहीं, अच्छे से लिखोगे, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर उसके ऊपर और आपको समझाऊंगा, या फिर मेरे को समझाना होगा, आप कमेंट में करो, बट गलत लैंग्वेज यूज नहीं करना, ठीक है गाइस। सो आज की वीडियो करते स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज मैं सोच रही हूँ कि सूरज का मैनीक्योर कर देती हूँ, उनके हाथ बहुत गंदे। दिखाओ। देखो यार, ये नाखून देखो कितने गंदे, डर्टी। गंदे तो नहीं है वैसे, बट थोड़े थोड़े नाखून है, ब्लर आ रहा है, बट नाखून है। सो आज पेडिक्योर मैनीक्योर, पेडिक्योर तो मेरे ख्याल से पैरों का होता है, मैनीक्योर करेंगे। ये पानी रेडी है, चलो चलो चलो, मेरा मैनीक्योर करो, जल्दी आ जाओ। सो गाइस, ये है प्रोडक्ट जो हम यूज करने वाले हैं। क्या लिखा है? पेडिक्योर एंड मैनीक्योर। हमारा पानी भी रेडी है और हमारी काम वाली बाई भी रेडी है। काम वाली बाई भी रेडी कर लो, चलो मैं नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, सॉरी, कर अच्छे से कर देना साफ बिल्कुल। ओए, दर्द नहीं होना चाहिए यार, देखते कैसे करती है ये। हेलो, क्या बोला तूने? बहुत बड़े बड़े नाखून है यार। पेडिक्योर जल्दी कराते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं इनका, क्या करते हैं ये काम ऐसा। तुम कभी अपने रेगुलर बेसिस पे नाखून नहीं काटते? काटता हूँ, ये फिर आ जाते हैं। एक दिन मैं अभी काटूंगा, अभी आ जाएंगे, फिर बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं। इतना तो नहीं होता है। मुझे लग रहा है मैं भूत हूँ। भूत तो हो ही, ड्रैकुला भूत हो तुम, एक नंबर के। तो ये भी पता नहीं ये कहाँ यूज करेगी, कलरफुल तो लग रहा है। सेकंड स्टेप, घिसने वाला। घिसो तुम्हें घिसूंगी। घिसो जल्दी घिसो। अरे ये क्या करते हैं यार लड़के, देखना सारा मेरा जितना भी स्किन है वो पीछे कर दिया यार, मेरा सारा नाखून ढीला हो जाएगा। मेरा नाखून ढीला होने का रीजन, ओए मत कर भाई, तुम ऐसे स्किन पीछे कर देते हो क्या? हाँ जी, ये तो तुम्हारे बहुत कम कर रही हूँ मैं, ऐसे पीछे कर देती हूँ बिल्कुल ही। तुम राक्षस हो फिर तो तुम। कुछ नहीं, ड्रामे कर। तेरी कसम, सच में मेरे को ना इससे होता है। सांस रोक के बैठा हूँ मैं तो यार, नाखून का ये क्या माँ बहन कर रही है। तो और भी मैं खड़ने वाला हूँ क्या? साइड में उसको काट दे। गलत स्टेप ले लिया यार, नहीं कराना चाहिए था। ये नाखून की और ये माँ बहन, मेरा सारा नाखून का ताकत निकाल दिया इन्होंने। बहुत प्रोटीन था मेरे नाखून में, इसने सारा नाखून निकाल दिया मेरा। तो मैं फर्क बताओ यार, ये स्किन देखो, उसकी स्किन देखो और इसकी स्किन देखो, कितनी आगे है। इनके नेल कैसे हैं गंदे से। क्या बोला तूने? सो गाइस, फाइनल ये है, पता नहीं क्या किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर आपका, जो भी आपने किया मेरे हाथ के साथ एक्सपेरिमेंट। कितने पेमेंट कितनी हुई? 20,000। चल खाते में लिख ले, बाद में दे दूंगा तेरे को। सो गाइस देखो, ये मेरा सूट है, ये मैंने सिलवाया शादी के लिए, पहन के दिखाऊंगा शादी में, आप लोगों को देखना कैसा है, ठीक है। ये शादी में जाने वाले, देखो मेरे को काम भी मिल चुका है। सो गाइस देखो, मैं घर का काम भी करता हूँ, जैसे ये कल बोल रही थी ना घर का काम नहीं करते, प्याज कैसे काटते मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले इसको ऊपर और नीचे का इसका और ये इसमें तो रखते नहीं कूड़ा, इस अलग प्लेट में रखते हैं। अच्छा, कूड़ा इसमें रखते हैं, मतलब पता नहीं कुछ भी। पता है भाई, वो तो मैं कैमरे बता रहा था ना तभी, लच गया है ना इस करके, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। तो इसको छिलका ऐसे निकाल दो, और घर का काम करना बहुत जरूरी है गाइस। अर्शी सर पे चढ़ के बैठी हुई है, कुछ भी गलत होता है ना अभी टोकने। अरे यार क्या बोलूं यार मैं। सामने ऐसे अलग अलग कर देना है, और इसको मेरे पापा शेफ थे यार, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, पापा बहुत अच्छे शेफ थे, उनसे सीखा हुआ है मैंने, उनका टैलेंट है मेरे अंदर। ये अजीब से कैसे काटते हो तुम, अजीब से गोल गोल घुमा के? दिस इज द निंजा टेक्निक। बकवास टेक्निक है ये। शादी से पहले क्या बोला था बताओ?
क्या बोलते हैं कि मैं देखो प्याज कैसे काटता हूँ फोन पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसे बोलते ठक 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 ठक, मुझे लगा सच में काटते रहेंगे, फिर मुझे इनके दोस्त ने बताया एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, फिर मुझे पता लगा कि हाँ इनके ठक ठक बस आवाज ही करके दिखा रहे थे मेरे को झूठे कहीं के, और तुम काटते हो ऐसे हो भाई, मारो मुझे मारो। मैं काटता था जब से शादी हुई है तब से, फिर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे कटता है ना, तो जल्दी शादी के बाद पत्नी बोलती है जल्दी जल्दी दो सामान, ये काट के दो वो काट के दो, तो मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो मैं ऐसे काटता था। सुनो आपसे एक क्वेश्चन पूछना है यार, अभी बिग बॉस का आज फाइनल है, बताओ कौन जीतेगा, आपका फेवरेट कौन है? मैं देखती नहीं हूं उस बिग बॉस को इतना ज्यादा ना, मैं फॉलो नहीं करती हूं, बट मेरे को लगता है कि यार अभिषेक जीतना चाहिए थोड़ा सा। अभिषेक मुनावर नहीं जीतना चाहिए? मुनावर की यार बहुत ज्यादा पोले खुल गई है, बात तो सही है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो गया ना, हमें एक के साथ प्यार करने वाला चाहिए, ऐसे दस के साथ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है, नहीं अभिषेक जेन्युइन लगता है यार। आप किसको वोट करना चाहोगी? अभिषेक, मुनावर, अंकिता? अभिषेक को तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है, वो जेन्युइन है ही नहीं वो, मुझे लग रहा है। मगर फिर भी अगर वो बाहर गया फिर बाहर से अंदर आया तो कुछ होएगा ही, फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, क्या पता वो मुनव्वर और उसकी दोनों की टक्कर हो, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, मुनव्वर और अभिषेक। अब पर तेरा एक 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 को वोट बताओ ना, तेरा रुक रुक एक बार एक अभिषेक क्लियर करते, एक बार खड़े होंगे अभिषेक और अंकिता, नहीं नहीं अंकिता रहेगी मुझे ऐसा लगता है, अंकिता सेकंड ही रहेगी जहां तक मुझे पता है, अंकिता सेकंड है वो तो कंफर्म है, वो नहीं पता तेरा किसके लिए था वोट, अंकिता तो बिल्कुल, एक वोट बता किसके लिए, मुनव्वर, मुनव्वर अभिषेक, अभिषेक एक का है मुनव्वर, और मैं वोट देना चाहूंगा, एक को ही वोट दूंगा, वो है अभिषेक, अपनी पत्नी के साइड हो जाऊंगा मैं, तेरे को जिता दिया मैंने, अभिषेक को वोट, मतलब अभिषेक है थोड़ा सा फेक भी है सब कुछ है, बट यार मुनव्वर जीत चुका है और उनके पास है, अभिषेक अभी न्यू निकला हुआ है तो फिर उसको एक ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और उसने खेला भी है जो भी है वहाँ पे, सब दूध के धुले तो है ना, रोया मतलब जो बिचारा तो सब बिचारा तो कोई भी नहीं है यार, छोटे से हो क्या है वो डांसर पीछे डांस करता था, हाँ वो उसने मेहनत करी है और उसको एक एक दे देना चाहिए, और हकदार भी है, सभी है वैसे तो, सब फाइनलिस्ट है, बट आई वॉन्ट की अभिषेक जीते। सो गाइज हम आज क्या बोलते हैं, ननंद और भाभी, ननंद भाभी के बीच एक कंपटीशन कराने जा रहे हैं, बिग बॉस एक्टिंग कंपटीशन है ये, बिग बॉस का तुमने करना है, देखते हैं कि आप लोगों को बिग बॉस का क्या क्या किरदार याद है। पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा किसकी एक्टिंग करनी है, वो है ईशा, ईशा की एक्टिंग करनी है। मर्द तूने कौन सी वीडियो दिखाई बाहर, क्या हम दोनों के बीच में क्या है, हम तो क्या सिर्फ दोस्त है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग है, क्या बोल के ऐसे, अब मैं नाम लेता रहूंगा चेंज करती रही। अंकिता लोखंडे, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने तुम्हें समझाया था, विक्की यार, विक्की मुंह बना के, विक्की वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, यू तू करेगी सबसे पहले मनारा करते हैं यही है तेरा मनारा, सिट्टी सिट्टी बजाई थी उसने, और तहलका मचा देंगे, मुझे लगा निकल गया होगा, मैंने तो कल ही देखा कि हाँ नहीं भाई, तहलका मचा देंगे, बैंगन में मिला देंगे, मुनव्वर जैसे लगते हैं लुकिंग, मुनव्वर जैसे लगता हूँ पर वैसे काम नहीं है, मेरी एक ही है गर्लफ्रेंड, ठीक है गर्लफ्रेंड मतलब पत्नी एक ही है, वो गर्लफ्रेंड वही थी जिससे मैंने शादी करी, बात तो सही है, बट चलो बस बस मुनव्वर की एक्टिंग करना चाहूंगा गाइस, चिड़ी उड़, कौवा उड़, भैंस उड़, मतलब अरे वो ऐसे खेल रहा था ना उसके साथ लड़ाई होने के बाद, उसके बाद फिर उसने पोल खोली, फिर वो रोने लग गया, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, मुझे बुलाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा बिग बॉस, बिग बॉस मुझे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बुला लो बिग बॉस, मुझे आपसे बात करनी है बिग बॉस, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, अच्छा मुझे बुलाओ, बुलाओ बिग बॉस, रात को 5 बजे 4 बजे जाके, कदे इस फूल ते कदे उस फूल ते, मुनावर तितली बनेगा।